हाय, मेरा नाम है वैभव अली और आज मैं बात करने वाला हूँ फोन दैट विल रियली एक्साइट अस आफ्टर द डिसअपॉइंटिंग आईफोन 12 लॉन्च। हम टेक फ्रीक्स और गाइस हु लव हैविंग ग्रेट टेक्नोलॉजी आर लुकिंग फॉर अ रीजन टू सेलिब्रेट एंड एट लास्ट अ ब्रांड हैज गिवन अस दैट, जिनका मोटो है सस्ता सुंदर और टिकाऊ। आप सब लोगों ने तो टाइटल पढ़ के देखा ही होगा कि मैं किस ब्रांड के बारे में बात कर रहा हूँ, बट दिस ब्रांड इज amazing because they only have a 5% markup ever. I've used their products earlier and I've been delighted. I'm talking to you about the brand new phone which is just launched today, the Mi 10T Pro. It's a flagship phone with world's first 7-step intelligent adaptive sync display, flagship of 108 megapixel camera and Qualcomm Snapdragon 865. इसका एडाप्टिव डिस्प्ले इतना कूल है, इसका मैक्सिमम रिफ्रेश रेट जाता है 144 हर्ट्ज और इसके 7 अलग डिफरेंट रिफ्रेश रेट्स हैं। जब आप हाई एंड गेमिंग कर रहे हैं तब आपके लिए ये काफी काम आएगा। इसका है ट्रू कलर डिस्प्ले, मैक्स ब्राइटनेस इज 650 nits, रीडिंग मोड इज 3.0 एंड सनलाइट डिस्प्ले 3.0। जब आप सनलाइट में रहेंगे या फिर आप जब लो लाइट रीडिंग कर रहे हैं देन दिस इज गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस। इसके कैमरा के बारे में बात करते हैं तो 108 मेगापिक्सल कैमरा है, 8K वीडियो रिकॉर्डिंग है, OIS 33 मेगापिक्सल, जब आप 8K यूज कर रहे हैं क्लोन फीचर है और ड्यूल वीडियो भी है इसमें। अभी इसके अगर चार्जिंग के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर है क्वालकॉम 865 प्रोसेसर, 5G, इसकी चार्जिंग इज 33 वॉट, ये आता है 650 GPU के साथ, 8GB रैम के साथ और सुपर फास्ट है 3.1 स्टोरेज एंड मेरा सबसे फेवरेट है 5000 mAh बैटरी। इसका स्लीक डिजाइन काफी है और इसका जो बॉडी है वो है एल्यूमिनियम अलॉय बॉडी, स्लाइड फिंगरप्रिंट स्कैनर एंड ट्रिपल कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास। अभी बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है प्राइसिंग। बॉस, कितना में मिलेगा ये फोन बताओ, फीचर सब ठीक है पर पैसे बताओ। तो मैं पैसे के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो 6GB रैम का वेरिएंट आता है विद 128GB ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, ये आता है 35,998 जो भी इनके डिवाइसेस यूज करते हैं R1 एंड आई टेल यू व्हाई मैं इनके बारे में अपने तरफ से भी तारीफ कर रहा हूं एंड आई एम नॉट जस्ट रीडिंग आउट देयर फीचर्स। आई हैव बीन यूजिंग द मी A3 फॉर अबाउट अ लिटिल मोर देन अ ईयर, आई थिंक 1.5 साल हो गए हैं इसको यूज किए हुए। और इसके पहले मैंने जो भी डिवाइस यूज करता था आई वॉज एन iOS guy, okay? All the device that I've used and now when I have the Mi A3, इतनी बार गिरा है फोन ये और ऐसे ऐसे डेंजरस सिचुएशन में गया है। इनफैक्ट आई टेल यू, मैंने ये फोन पे कभी कोई प्रोटेक्शन यूज ही नहीं किया है, इस पे ना स्क्रीन गार्ड है ना इसमें कोई कवर है, ये सिर्फ कार्ड होल्डर है, दैट्स अबाउट इट। सो यू नो दिस गाइस, अगर ये 13,000 रुपए में इन्होंने इतना दिया है तो इमेजिन करो कि 35 onwards to 40,000 में आपको क्या कुछ नहीं मिलेगा। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रांड न्यू फोन, आई थिंक दिस माइट बी योर आंसर विथ प्रीमियम फीचर्स, हाई एंड फीचर्स जो आपको सैमसंग में perhaps 80-90 हज़ार रुपए के फोन में मिलेंगे। और एप्पल के बारे में तो क्या कहने, उनका तो अलग ही है, किडनी विडनी तो मेरे ऑलरेडी बिक चुके हैं जब iPhone 7 लिया था। बट नाउ कमिंग बैक टू दिस फोन, आई विल टोटली रिकमेंड जस्ट बिकॉज मुझे मी और MI की क्वालिटी मालूम है एंड आई टोटली बिलीव इन दैट। सो टेक अ गुड कॉल, मेक अ गुड डिसीजन एंड हैव द बेस्ट फोन दैट मनी कैन बाय।